नमस्कार, मैं हूँ दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 2 अक्टूबर, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज है महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। राष्ट्रपिता से महात्मा गांधी को पुकारते हैं लोग। स्वतंत्रता संग्राम में लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था अहम योगदान। मेरा प्रखंड मेरा गौरव प्रतियोगिता हुई शुरू। प्रथम आने वाले को मिलेंगे 50,000 रुपए के इनाम। 2 अक्टूबर से 11 नवंबर तक है प्रतियोगिता की अवधि। मुर्गी पालन योजना का उठाए लाभ। सरकार दे रही 3 से 40 लाख रुपए। जानिए क्या है पात्रता। प्लॉट पर दाखिल खारिज आवेदन की प्राप्त कर सकते हैं जानकारी। जाने क्या है प्रक्रिया। स्टेप बाय स्टेप देंगे आवेदन की जानकारी। पर्व त्योहार में सुरक्षा की चाक चौबंद होगी व्यवस्था। सादी वर्दी में तैनात रहेंगे पुलिस के जवान। डीएम करेंगे पूजा पंडालों का निरीक्षण। खरीफ फसल के डिजिटल डेटा के लिए हो रहा सर्वेक्षण। बिहार के 20 जिलों में हो रहा सर्वे। 15 नवंबर तक पूरा होगा सर्वे का काम। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बिहार के वैभव ने जड़ा शतक। सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने वैभव। 12 साल में रणजी में किया था डेब्यू। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने ऑपरेटरों के पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती कुल 81 पदों के लिए है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट HAL-India.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 अक्टूबर है। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फुल टाइम डिप्लोमा हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। आज यानी कि 2 अक्टूबर को सत्य अहिंसा का पाठ पढ़कर अंग्रेजों की नाक में दम करने वाले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है। मालूम हो कि एक ओर जहां अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने वाले महात्मा गांधी की तरफ से चलाए गए सत्याग्रह जन आंदोलन की बड़ी भूमिका बताई जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम में लाल बहादुर शास्त्री का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कार्यों और विचारों ने देश को स्वतंत्रता और इसके बाद आज़ाद भारत को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाई थी। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा वर्ष 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा देकर भारतीय स्वाभिमान और प्रभुता की रक्षा करने में अहम योगदान दिया गया था। बिहार सरकार ने मेरा प्रखंड मेरा गौरव प्रतियोगिता शुरू किया है। इस प्रतियोगिता के तहत अपने प्रखंड के अनदेखे पर्यटन स्थल के बारे में बताना होगा। इसमें प्रथम आने वाले को 50,000 की राशि का इनाम, द्वितीय को 45,000 रुपये, तृतीय को 35,000 के इनाम और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। इसके अलावा अन्य 10 बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले को 20,000 रुपये, वहीं अन्य 16 को 10,000 रुपये के इनाम राशि दिए जाएंगे। प्रतियोगिता अवधि 2 अक्टूबर से 11 नवंबर तक रहेगी। अधिक जानकारी के लिए आप tourism.bihar.gov.in पर जा सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 45 एजेंडों पर निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने 2025 के कैलेंडर अवकाश को मंजूरी दी और CNG पर 8% और PNG पर 7% वैट घटाने का निर्णय लिया। बिहट्टा में 300 बेड का नया अस्पताल और एलिवेटेड रोड के लिए 3.1 एकड़ भूमि देने का निर्णय भी लिया गया। राजगीर में एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन होगा, जिसके लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा खगड़िया कोर्ट परिसर में 32 करोड़ की लागत से नया भवन बनाया जाएगा। इसके अलावा CM वाहन चालक कल्याण योजना को भी मंजूरी मिली है, जिसमें ड्राइवरों को मेडिकल सेवा और जीवन बीमा जैसी सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही 2025 में सरकारी कर्मचारियों को कुल 41 छुट्टियां मिलेंगी।
पर्व त्योहार का महीना शुरू हो चुका है। 3 अक्टूबर को दुर्गा पूजा, फिर दिवाली और छठ का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दौरान प्रदेश में सुरक्षा की व्यवस्था सख्त रहेगी। पूजा पंडाल और शहर के कई इलाकों में पुलिस सादी वर्दी में तैनात रहेंगे। साथ ही पूजा वाले स्थलों पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी। पूजा पंडालों के निरीक्षण की जिम्मेवारी जिलाधिकारी संभालेंगे। इस दौरान नियम के मुताबिक पाई जाने वाली कमियों को दूर किया जाएगा। पूजा के दौरान सुरक्षा तैयारियों को लेकर राज्य के मुख्य सचिव अमृत लाल मीना और पुलिस महानिदेशक आलोक राज व गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी जिले के डीएम और एसपी के साथ बातचीत की है। बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत इच्छुक लाभार्थियों को मुर्गी फार्म खोलने के लिए 3 से 40 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता और 30% से 50% तक का अनुदान दिया जाएगा। आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जो कि सरकार के आधिकारिक वेबसाइट state.bihar.gov.in/ahd पर उपलब्ध है। आवेदन की अंतिम तारीख ब्रायलर फार्म के लिए 4 अक्टूबर और लेयर फार्म के लिए 13 अक्टूबर है। योजना के लाभ से फार्म निर्माण, पोल्ट्री नस्ल की खरीद और अन्य खर्चों को कवर किया जाएगा। पात्रता में 18 वर्ष से अधिक आयु, बिहार निवासी होना और पोल्ट्री फार्मिंग में प्रशिक्षण शामिल है। अपने प्लॉट पर दायर दाखिल खारिज आवेदन की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको bihar.gov.in पर जाना होगा। यहां रैयत अपना जिला, अंचल और वर्ष चुनकर प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे और मौजा और प्लॉट संख्या भरकर सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। फिर चयनित वित्तीय वर्ष में आपके प्लॉट पर दे आवेदन की सूची मिलेगी। दाखिल खारिज आवेदन के विरुद्ध आपत्ति दायर करने की प्रक्रिया ऑनलाइन है। वहीं जमाबंदी में होने वाले बदलाव या दाखिल खारिज की जानकारी के लिए SMS अलर्ट सेवा को चुन सकते हैं। बिहार में बाढ़ से 9 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। खासकर कोसी और गंडक के तटबंधों पर बसे क्षेत्रों के लोगों को अधिक परेशानी हो रही है। 16 जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाई है, जिसके चलते राहत कार्य में वायुसेना की मदद ली जा रही है। हेलीकॉप्टर से खाद्य सामग्री की एयर ड्रॉपिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे करने के बाद राहत कार्यों को तेज करने का निर्देश दिया है। सीतामढ़ी, शिवहर और दरभंगा में सबसे अधिक नुकसान हुआ है, जहाँ हजारों लोग तटबंधों या ऊंचे स्थानों पर शरण ले रहे हैं। प्रारंभिक आकलन के अनुसार बाढ़ ने 1.5 लाख हेक्टेयर फसलों को नुकसान पहुंचाया है। सरकार किसानों को सहायता देने की तैयारी कर रही है। 20 जिलों के 1385 गांवों में किसानों की भूमि और फसलों का सर्वेक्षण बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य खरीफ 2024 के लिए डिजिटल डेटा तैयार करना है। अब तक 212 गांवों में 4,11,768 भूखंडों का सर्वेक्षण हो चुका है। सर्वे का कार्य अरवल, शेखपुरा, कटिहार, बांका, सुपौल, जहानाबाद, अररिया, मधेपुरा, सीतामढ़ी, बेगूसराय, किशनगंज, जमुई, खगड़िया, मुंगेर, नालंदा, लखीसराय, सहरसा, शिवहर, पश्चिमी चंपारण और पूर्णिया जिले में तेजी से चल रहा है। डिजिटल क्रॉप सर्वे में खेतों का डिजिटल नक्शा तैयार किया जाता है, जिसमें फसल का वितरण शामिल होता है। इसमें सरकार को सटीक जानकारी प्राप्त होगी, जिससे किसानों को आपदा में मुआवजा और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। अधिकारियों का कहना है कि सर्वे का कार्य 15 नवंबर तक पूरा हो जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC ने 17वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया में सख्ती बढ़ा दी है। आयोग ने सख्त निर्देश दिए हैं कि ऑनलाइन आवेदन करते समय वेब कैम से खींचे गए फोटो में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। यदि कोई ऐसा करता पाया गया तो उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। BPSC ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि फोटो में स्पष्टता होनी चाहिए, अन्यथा अभ्यर्थी खुद जिम्मेदार होंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे फोटो लेते समय अपने चेहरे को वेब कैम के सामने रखें और उचित प्रकाश का ध्यान रखें। चश्मा, मास्क या मफलर पहने हुए फोटो अपलोड करने पर एडमिट कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। आपको बता दें कि आयोग ने ये सख्ती अभ्यर्थी के फोटो मिक्सिंग कराकर परीक्षा में स्कॉलर को बैठाने के मामले को देखते हुए की है। बिहार के 13 वर्षीय अंडर 19 बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रचते हुए अंडर 19 यूथ टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम की तरफ से 58 गेंदों पर शतक जड़ा है। वो पेशेवर क्रिकेट में सबसे कम उम्र के शतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।
इससे पहले उन्होंने अर्धशतक बनाकर भी रिकॉर्ड स्थापित किया था। वैभव ने अपनी पारी में 14 चौकों और 4 छक्के लगाए हैं। वैभव ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 में बिहार के लिए डेब्यू किया था और उस समय भी उन्हें खूब सराहा गया था। वो केवल 12 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने, जिससे उन्होंने सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा। बिहार में बाढ़ के कारण बड़ी तबाही देखने को मिल रही है। बाढ़ के कारण 19 जिलों में किसान को नुकसान उठाना पड़ा है। अब इसी आपदा के बीच केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के किसानों की मदद करने का आह्वान किया। इसकी जानकारी कृषि मंत्री मंगल पांडे ने दी। उन्होंने पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि वे एक सप्ताह के अंदर बाढ़ से फसल के नुकसान का आकलन कर लें। बिहार सरकार आपदा के इस घड़ी में किसानों के साथ पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी है। किसानों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाए। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे जमुई की। ये बिहार का एक जिला है जिसके अधिकांश हिस्से पहाड़ी स्थलाकृति हैं। इस जिले में कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं। यहां की प्राकृतिक खूबसूरती देखते बनती है। जिले के पर्यटन स्थलों में जैन मंदिर, लछुआर गिद्धेश्वर मंदिर, सिमुलटल्ला हिल स्टेशन, काली मंदिर, मलयपुर मिंटो टावर, गिद्धौर भीम बांध आदि शामिल है। यदि आप कभी इस जिले में जाते हैं तो इन जगहों पर भ्रमण के लिए जा सकते हैं। राज्य सरकार ने जीविका दीदियों को बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 500 करोड़ रुपए से अधिक राशि आवंटित किए गए हैं। 522 करोड़ रुपए का आवंटन प्रथम किस्त के रूप में हुआ है। आवंटित हुई राशि को लेकर बिहार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि हम राशि से ग्रामीण इलाकों में संचालित जीविका के हजारों स्वयं सहायता समूहों को लाभ मिलेगा। इस राशि में 60:40 के तहत केंद्रांश और राज्यांश द्वारा आवंटित रुपए हैं। आवंटित हुए पैसों का इस्तेमाल समूह द्वारा कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, लघु उद्योग और अन्य जीविकोपार्जन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। इससे ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और आर्थिक रूप से इन्हें सहयोग मिलेगा। आजकल लगभग हर स्मार्टफोन यूजर के पास जीमेल आईडी होती है, जिसका इस्तेमाल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कॉलेज और स्कूल में किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि जीमेल पर आने वाले सभी ईमेल किसी दूसरे आईडी पर ऑटोमेटिक फॉरवर्ड हो, तो ये संभव है। इसके लिए आपको अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पर गूगल क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करना होगा। जीमेल खोलकर अपने अकाउंट में लॉगिन करें, दाहिनी ओर सेटिंग आइकन पर क्लिक करें और फॉरवर्डिंग या POP या IMAP टैब पर जाएं। यहाँ फॉरवर्डिंग एड्रेस में नई ईमेल आईडी डालें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। एक कंफर्मेशन मेल आएगा, उस पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। फिर अपने पुराने जीमेल पर वापस जाकर पेज को रिफ्रेश करें और कीप जीमेल्स कॉपी इन द इनबॉक्स विकल्प चुनकर सेव करें। आप इसे कभी भी बदल सकते हैं। सरकार ने मंगलवार को 10,900 करोड़ रुपए के बजट के साथ पीएम ई ड्राइव योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी को तेजी से अपनाना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करना है। ये योजना 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू होगी। योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी 5,000 रुपए प्रति किलोवाट घंटा होगी, जो दूसरे वर्ष में 2,500 रुपए पर आएगी। उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि एक मोबाइल ऐप के जरिए ई वाउचर तैयार किया जाएगा, जिससे सब्सिडी प्राप्त की जा सकेगी। योजना में 3,679 करोड़ रुपए की सब्सिडी के साथ 24.79 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया और 3.16 लाख तीन पहिया वाहनों के लिए सब्सिडी मिलेगी। बिहार के कई जिले बाढ़ के कहर से त्रस्त हैं। कई जगह से तटबंध टूटने की खबर सामने आई है। आज पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में एक या दो स्थानों पर बारिश हो सकती है। हालांकि मौसम को लेकर विभाग ने कोई चेतावनी जारी नहीं की है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री, कुछ जगहों पर 32 से 34 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की बात कही गई है। भोजपुर जिले के कोइलवर थाना पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी के मामले में कमलेश कुमार नामक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसने पिकअप वैन पर फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित किए थे। तलाशी के दौरान पुलिस ने करीब 4,472 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की। गिरफ्तार आरोपी नवादा जिले के ओरो गांव का निवासी है और उसके खिलाफ उत्पाद अधिनियम एवं जालसाजी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक राज ने बताया कि आरोपी से पूछताछ के दौरान अवैध शराब के अंतर्राज्यीय नेटवर्क का
खुलासा हुआ। गुप्त सूचना के आधार पर सदर एसडीपीओ की अगुवाई में टीम ने आरा पटना हाईवे पर घेराबंदी की थी। पिकअप पर दो अलग अलग नंबर प्लेट बरामद हुए, जिससे पता चला कि तस्कर यूपी से शराब लाकर नवादा भेजा जा रहा था। बिहार में 2 मई 2022 से शुरू हुआ जनसुराज अभियान अब एक राजनीतिक दल में बदलने जा रहा है। प्रशांत किशोर की अगुवाई में बिहार के सभी पंचायतों, प्रखंडों और जिलों से लोग पटना आ रहे हैं। किशोर ने 2 अक्टूबर 2022 से पदयात्रा शुरू की थी, जिसमें से अब तक 17 जिलों में 5000 किलोमीटर चल चुके हैं और 5500 से अधिक गाँवों का दौरा कर चुके हैं। 2 अक्टूबर 2024 को नए दल का नेतृत्व परिषद और संविधान की घोषणा की जाएगी। हालांकि प्रशांत किशोर दल का नेतृत्व नहीं करेंगे, लेकिन वे पदयात्रा जारी रखेंगे। जनसुराज अगले विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर आगामी 4 उपचुनावों में भी चुनाव लड़ेगा। जनसुराज के राजनीतिक दल में परिवर्तन का ये कार्यक्रम पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में होगा। बिहार के उत्तरी क्षेत्र में आई बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इस स्थिति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने अपने मंत्रियों और सांसदों को राहत कार्यों में जुटाने का निर्णय लिया है। प्रदेश भाजपा ने 11 सदस्यों की एक समिति का गठन किया, जो बाढ़ प्रभावित जिलों में मदद पहुंचाने का कार्य शुरू करेगी। पार्टी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि यह समिति बुधवार से काम करेगी और लगभग 1 लाख परिवारों को सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि दरभंगा, मधुबनी और सुपौल जैसे जिलों में बाढ़ का प्रभाव अधिक है। आगे उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित जिलों के करीब 1 लाख परिवारों को भी मदद दी जाएगी। बीते दिन राजद में पूरे बिहार में स्मार्ट मीटर के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान लाखों की संख्या में राजद कार्यकर्ता एकजुट हुए थे। उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही बिना देर किए स्मार्ट मीटर को वापस लेने की भी मांग की। इस दौरान पटना प्रखंड पर आयोजित धरना प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले आरजेडी एमएलसी मुन्नी रजक ने कहा कि स्मार्ट मीटर गरीबों का खून चूसने वाला मीटर है, इसकी वजह से ज्यादा बिल आ रहे हैं, जिससे आम लोग परेशान हैं। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक बिहार में स्मार्ट मीटर नहीं हटेगा, राजद का एक एक कार्यकर्ता और नेता इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करता रहेगा। भारत ने कानपुर टेस्ट मैच को 7 विकेट से जीतकर सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया है। बांग्लादेश ने अंतिम दिन भारत को 95 रन का लक्ष्य दिया, जिसे भारतीय टीम ने 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया है। रोहित शर्मा 8 और शुभमन गिल 6 पर जल्दी आउट हो गया, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने 51 रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में लाया। विराट कोहली ने 29 रन बनाए और ऋषभ पंत ने विजयी चौका लगाया। बांग्लादेश की दूसरी पारी में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। बुमराह, अश्विन और जडेजा ने 3-3 विकेट लिए, जबकि बांग्लादेश 146 रन पर ऑल आउट हो गया। भारत की पहली पारी में यशस्वी जायसवाल ने तेज शुरुआत की और टीम ने रिकॉर्ड 100 रन 10.1 ओवर में पूरे किए। इस जीत के साथ ही विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका पर पहले नंबर पर भारत बनी हुई है। साथ ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पीसीटी का फासला बढ़ गया है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1869 में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और वर्ष 1904 में लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। आज के दिन वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। आज के दिन वर्ष 1961 में मुंबई में शिपिंग कॉरपोरेशन और इंडिया का गठन हुआ था। आज के दिन वर्ष 1971 में तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी ने गांधी सदन के नाम से प्रसिद्ध बिरला हाउस देश को समर्पित किया था। आज के दिन वर्ष 1985 में दहेज निषेधाज्ञा संशोधन अधिनियम अस्तित्व में आए थे। आज के दिन वर्ष 1988 में तमिलनाडु में मंडपम और पंबन के बीच समुद्र के ऊपर सबसे लंबा पुल खुला था। आज के दिन वर्ष 2006 में दक्षिण अफ्रीका ने परमाणु ईंधन आपूर्ति मामले पर भारत को समर्थन देने का फैसला किया था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक मैसेज और उसके साथ एक लिंक वायरल हो रहे हैं। मैसेज में दावा किया जा रहा है कि गरीब वर्ग को सहायता के रूप में वित्त मंत्रालय द्वारा 32,849 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही लिंक के जरिए लोगों को उनकी व्यक्तिगत जानकारी मांगी जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय की तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। ये दावा पूरी तरह से फर्जी है। इस तरह की खबरों पर विश्वास करने से बचे। साथ ही ऐसे लिंक पर क्लिक करने या निजी जानकारी साझा करने से आपको वित्तीय नुकसान हो सकता है।
भारतीय इक्विटी सूचकांक सपाट के साथ 1 अक्टूबर के वैलेटाइल कारोबारी सत्र में बंद हुई है। कारोबारी सत्र के अंत में सेंसेक्स 33.49 अंक या 0.04% की गिरावट के साथ 84,266.29 पर और निफ्टी 13.90 अंक या 0.05% की गिरावट के साथ 25,796.90 पर बंद हुआ। टेक महिंद्रा, M&M, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, अडानी इंटरप्राइजेज और इन्फोसिस निफ्टी पर सबसे ज्यादा फायदे में रहने वाले शेयर रहे। वहीं टॉप लूजर की लिस्ट में इंडसइंड बैंक, एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो और टाइटन शामिल रहे। आपको बता दें कि आज शेयर बाजार बंद रहने वाला है। पूरे भारत में गांधी जयंती मनाई जाएगी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में कहाँ 20वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन हुआ है? ऑप्शन है पुरी, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है दिल्ली। इसका सही उत्तर है पुणे। हाल ही में दूसरे भारत चीनी और जैव ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है पुणे, ऑप्शन डी है मुंबई। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। हाल ही में कौन सा देश भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल हुआ है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है ब्राज़ील, ऑप्शन डी है जापान। इसका सही उत्तर है भारत। पटना में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1907, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1922। इसका सही उत्तर है 1919। बिहार में कौन सी ट्रेन नहीं चलती है? ऑप्शन ए है विक्रमशिला एक्सप्रेस, ऑप्शन बी है राजधानी एक्सप्रेस, ऑप्शन सी है कलिंग एक्सप्रेस, ऑप्शन डी है उत्तरी बिहार एक्सप्रेस। इसका सही उत्तर है कलिंग एक्सप्रेस। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है राजा कुमार, उमेश यादव, प्रमोद राम, वीरेंद्र कुमार, अतीक खान, सुभाष प्रसाद, मोतीलाल कुमार, बिंदास शर्मा, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, पिंटू कुमार, नुनू गोलू कुमार, राजीव कुमार, अंशु कुमारी, श्यामानंदन चौधरी, रामनवमी मांझी, सुहान अली खान। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आज लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जयंती के अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।